चलिए एक बड़ी खबर। कुरुक्षेत्र से पुलिस और किसान आमने सामने हुए हैं। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। बड़ी जानकारी आ रही है, किसान नेता बोले पुलिस का रवैया बर्बरतापूर्ण, ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा है सैनी समाज भवन में बीजेपी की बैठक का विरोध करने पहुंचे थे किसान। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है, बड़ी जानकारी आ रही है। कुरुक्षेत्र से बड़ी जानकारी, पुलिस और किसान आमने सामने हुए हैं। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस का रवैया बर्बरतापूर्ण है, बड़ी जानकारी, ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों ने कहा सैनी समाज भवन में बीजेपी की बैठक का विरोध करने पहुंचे थे किसान, जिसके चलते किसानों को हिरासत में लिया गया है। दर्शन सिंह हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से इस खबर पर हमें पूरी जानकारी देंगे। दर्शन, पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया है, किसान नेताओं ने कहा पुलिस का रवैया बर्बरतापूर्ण है, पुलिस और किसान आमने सामने आए हैं बीजेपी की बैठक को लेकर। ताजा अपडेट आपके पास क्या है, फिलहाल क्या स्थिति है दर्शन? बिल्कुल, देखिए शमशेर, मैं बता दूं कि ये यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर सैनी समाज भवन में एक ओबीसी मोर्चा की बीजेपी की मीटिंग आज होनी थी, लेकिन उस मीटिंग को लेकर कहीं ना कहीं किसानों को भी भनक लग गई और किसान यहाँ पर पहुंच गए और किसान उस मीटिंग का विरोध करने लगे, लेकिन विरोध करते करते ज्यादा ही बढ़ गया और यहाँ पर सीआरपीएफ लगानी प्रशासन ने पड़ी है। और सीआरपीएफ जब ये नहीं, प्रशासन और किसानों की सहमति नहीं बनी है उसको लेकर, जो बीजेपी की मीटिंग होनी थी उसका भी टाइम हो चुका था मीटिंग का, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन ने, सीआरपीएफ और पुलिस प्रशासन ने किसानों को उठाकर और बसों में ले जाया गया और इनको हिरासत में ले लिया है। लेकिन फिर भी कुछ किसान है वो सड़कों पर अभी भी डटे हुए हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई है। जी शमशेर, मीटिंग को लेकर जो बीजेपी ओबीसी मोर्चा की बात कर रहे हैं, मीटिंग संपन्न हो पाई, मीटिंग हुई कि नहीं हुई, किसान इसका विरोध कर पाने, इसको कैंसिल कराने में कामयाब रहे क्या दर्शन? बिल्कुल, देखिए शमशेर, मैं बता दूं मीटिंग फिलहाल अभी नहीं हुई है, जहां पर मीटिंग करनी थी उसी के गेट पर किसान सुबह से अड़े हुए थे, लेकिन कुछ किसानों को सीआरपीएफ फौज ने और पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और कुछ किसान अभी भी सड़कों पर डटे हुए। यहाँ पर जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है प्रशासन और किसानों के बीच में। जी शमशेर, तादाद की बात करूंगा दर्शन, यहाँ पर पुलिस फोर्स की तादाद और किसानों की तादाद कितनी आपको नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए मैं अगर बात करूं, इसमें कोई शक नहीं है, किसानों की तादाद यहाँ पर कम है और पुलिस प्रशासन और सीआरपीएफ की तादाद यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए किसान यहाँ पर आड़े हुए थे। कुछ किसानों को तो बसों में अभी बैठा लिया है, कुछ किसान अभी सड़कों पर ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन अभी कोई आपस में इनका समझौता भी नहीं हुआ मीटिंग को लेकर प्रशासन और किसानों का। जी शमशेर, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आधिकारिक स्तर पर की बात करूं तो कौन कौन लोग यहां पर पहुंचे हैं दर्शन? बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं, यहां पर जो डीएसपी है वो यहां पर काफी लगा दिया गया, मजिस्ट्रेट यहां पर लगा दिया गया, मजिस्ट्रेट ने भी अभी बयान दिया ताकि आप यहां से गेट खाली कर दो, नहीं तो हम दो मिनट में यहां से आपको हिरासत में ले लेंगे। किसानों ने आपस में एक मीटिंग की है, मीटिंग के बाद किसानों को नहीं, यहां पर किसान जो गेट पे अड़े हुए थे उनकी सहमति नहीं बनी और साफ साफ किसानों ने कह दिया कि हम गेट नहीं खोलेंगे, यही मरेंगे यही जिएंगे, लेकिन जो मर्जी हो जाए। जब यहाँ के जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट था उन्होंने आदेश दिए कि इनको यहाँ से अपनी हिरासत में ले लिया जाए, जब तुरंत प्रशासन ने कुछ किसानों को अपनी हिरासत में ले लिया और बसों में बिठा लिया। जी शमशेर, चलिए बहुत शुक्रिया दर्शन इस जानकारी के लिए। तो तस्वीर आप देखिए, किसान विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर पुलिस फोर्स की तरफ से इन किसानों को जो है हिरासत में लिया गया है, सरकारी बसों में बैठाकर उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश करते हुए आपको पुलिस फोर्स नजर आ रही है, लेकिन अभी तक भी किसान जो है वहाँ पर बने हुए हैं, कुछ किसान अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं, विरोध कर रहे हैं बीजेपी की बैठक का। जिस भवन में इस बैठक का आयोजन होना था वहाँ पर किसान पहुँचे, उसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पहुंचा, उनको वहां से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन अभी भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है, आमने सामने जो है वो ठन गई है। अब देखना होगा कि इस पूरे माहौल को शांत करने के लिए किस तरह की कोशिशें जो हैं वो की जाएंगी, किसानों की तरफ से किस प्रकार का यहाँ पर जो अल्टीमेटम दिया गया उसको कैसे शांत कराने में पुलिस प्रशासन कामयाब होगा। पुलिस और किसान आमने सामने आए हैं, किसानों को हिरासत में लिया गया, खबर फास्ट की खास तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं। तो ऐसा रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसान ने कहा कि पुलिस प्रशासन का जो रवैया है वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो किसान हैं वो इन
रोडवेज की बसों के सामने लेट गए हैं। इनको यहां से हटाने की कोशिश पुलिस कर रही है, लेकिन उसके बाद भी हटने के लिए तैयार नहीं है। वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने दिया जाएगा। जो भी कार्यक्रम जहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सरकार में शामिल लोग करेंगे, उनका विरोध हम करेंगे। और उसी तरीके का विरोध कुरुक्षेत्र में देखने को मिला, जिसके चलते पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। किसान नेताओं ने कहा कि पुलिस का रवैया असहनीय है, बर्बरतापूर्ण है और ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन किसान लगातार एक ही बात कर रहे हैं कि कृषि कानूनों पर बात होनी चाहिए। तब तक जब तक इनका कोई समाधान निकलेगा नहीं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को, कार्यकर्ता को कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा। और इसी प्रकार की स्थिति जो है यहाँ कुरुक्षेत्र में भी देखने को मिली है। खबर फास्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर इन किसानों को बस में बैठाया जा रहा है, बस में हिरासत में लेकर जो है यहां से हटाने की कोशिश है। लेकिन अभी भी स्थिति जो है, हमारे संवाददाता दर्शन हमें बता रहे थे कि बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है। किसान आमने सामने हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो है अभी पुलिस फोर्स वहां पर मौजूद है। दूसरी तरफ किसानों की बात करें तो उनकी तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन जैसे ही ये स्थिति बनी, इसके बाद पुलिस ने इनको यहां से हटाने की कोशिश की, किसानों को हटाने की कोशिश की। और हटाने के चक्कर में दोनों का आमना सामना हुआ, लेकिन बहुत सी पुलिस फोर्स यहां पर बताई जा रही है जो इन किसानों को कंट्रोल करने के प्रयास में है। लेकिन किसान हटने के लिए राजी नहीं है, आपस में खींचतान हो रही है। अब देखना होगा कि किसानों को किस तरह से मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा है, डीएसपी वहां पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश है। लेकिन परिस्थितियां अभी वहां पर बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बनी हुई है, जानकारी मिल पा रही है। किसानों को पकड़कर बसों में बैठाया जा रहा है। पुलिस ने किसानों को हिरासत में लिया। ये स्पेशल तस्वीरें, खास तस्वीरें।